साथ जो ये अपने हैं, जैसे जींद का बाईपास है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। मैंने गडकरी जी से समय मांगा है वो जींद के बाईपास का, और रोहतक जुलाना जींद जो है उसका टेंडर हो गया है, रोड का फोर लाइन का भी, उसका भी वो करवा लें, और सोनीपत वाले का भी जो ये काम कंप्लीट है। और एक जो नया नेशनल हाईवे हम सोनीपत से जींद के लिए अलग निकाल रहे हैं, उसका ज़मीन एक्वायर ऑलरेडी टेंडर भी होगा, उसका भी मैं उद्दीन चाहता हूँ 5-7 ये हमारे प्रोजेक्ट पे जो गडकरी जी से उनकी शुरुआत हो जाए और ये विकास का जो काम है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें जो ये हाईवे आएगा, इसमें जींद का जो जो बाईपास है इसमें आगे उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ताकि सोनीपत से हम जींद आना हो तो 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएँ, तब इससे बड़ा भारी जींद का फायदा होगा। और रोड जब बनेगा, जब पहले सीवर पड़ दो, ये नहीं होगा पहले उसमें डाल दो हम फिर पाट दो फिर बना लाए दो, इसका मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है मैं नोडल एजेंसी बना दो 3 डिपार्टमेंट हैं की, जो सीवर डालने वाली भी, पानी वाली भी, रोड वाली भी, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए। साथ जो ये अपने हैं, जैसे जींद का बाईपास है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, मैंने गडकरी जी से समय मांगा है वो जींद के बाईपास का, और रोहतक जुलाना जींद जो है उसका टेंडर हो गया है, रोड का फोर लाइन का भी, उसका भी वो करवा लें, और सोनीपत वाले का भी जो ये काम कंप्लीट है। और एक जो नया नेशनल हाईवे हम सोनीपत से जींद के लिए अलग निकाल रहे हैं, उसका ज़मीन एक्वायर ऑलरेडी टेंडर भी होगा, उसका भी मैं उद्दीन चाहता हूँ 5-7 ये हमारे प्रोजेक्ट पे जो गडकरी जी से उनकी शुरुआत हो जाए, और ये विकास का जो काम है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें जो ये हाईवे आएगा, इसमें जींद का जो जो बाईपास है इसमें आगे उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ताकि सोनीपत से हम जींद आना हो तो 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएँ, तब इससे बड़ा भारी जींद का फायदा होगा। और रोड जब बनेगा, जब पहले सीवर पड़ दो, ये नहीं होगा पहले उसमें डाल दो हम फिर पाट दो फिर बना लाए दो, इसका मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है मैं नोडल एजेंसी बना दो 3 डिपार्टमेंट हैं की, जो सीवर डालने वाली भी, पानी वाली भी, रोड वाली भी, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए। साथ साथ जो ये अपने हैं, जैसे जींद का बाईपास है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, मैंने गडकरी जी से समय मांगा है वो जींद के बाईपास का, और रोहतक जुलाना जींद जो है उसका टेंडर हो गया है, रोड का फोर लाइन का भी, उसका भी वो करवा लें, और सोनीपत वाले का भी जो ये काम कंप्लीट है। और एक जो नया नेशनल हाईवे हम सोनीपत से जींद के लिए अलग निकाल रहे हैं, उसका ज़मीन एक्वायर ऑलरेडी टेंडर भी होगा, उसका भी मैं उद्दीन चाहता हूँ 5-7 ये हमारे प्रोजेक्ट पे जो गडकरी जी से उनकी शुरुआत हो जाए, और ये विकास का जो काम है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें जो ये हाईवे आएगा, इसमें जींद का जो जो बाईपास है इसमें आज उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ताकि सोनीपत से हम जींद आना हो तो 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएँ, तब इससे बड़ा भारी जींद का फायदा होगा। और रोड जब बनेगा, जब पहले सीवर पड़ दो, ये नहीं होगा पहले उसमें डाल दो हम फिर पाट दो फिर बना लाए दो, इसका मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है मैं नोडल एजेंसी बना दो 3 डिपार्टमेंट हैं की, जो सीवर डालने वाली भी, पानी वाली भी, रोड वाली भी, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए। इस पर